हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं स्कॉर्ट और एसी के बीच चार क्रेनों का दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्रेन दिखाने जा रहा हूँ। ये क्रेन है स्कॉर्ट का TRX 2319 दोस्तों, 23 टन का गाड़ी है और नया लुक है दोस्तों, नया गाड़ी है दोस्तों। कुछ फीचर चेंज भी अपने को इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों, और इन चारों गाड़ियों के बीच में आज कंपेयर होने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कौन सी गाड़ी आप ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों, और कौन सी गाड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी कीमत के बारे में दोस्तों आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले टायर की बात करें दोस्तों, 12024 के टायर मिलेंगे इस क्रेन के आगे के दोनों टायर, चारों टायर, ठीक है दोस्तों। और इसका केबिन जो रहता है दोस्तों वो बीच में रहता है, और इसके जो लीवर वगैरह हैं अपने बूम के जो जैक रहते हैं दोस्तों, वो ऑपरेटर केबिन के दोनों साइड में रहते हैं। यही स्कॉर्ट 23 टन का शुरुआती लुक है, और ये भी अभी इसी लुक में दिया गया है दोस्तों। कुछ फीचर्स इसमें चेंज कर दिए गए हैं दोस्तों इसी प्रकार से। और पीछे के जो स्कॉर्ट 23 टन है ना, 23 टन का जो सिस्टम रहता है, पीछे के टायर रहते हैं ना, वो सिंगल टायर ट्रैक्टर की तरह दिखते हैं दोस्तों, हैवी टायर रहते हैं। और इसकी फुल सेफ्टी गार्डस वगैरह सारा सिस्टम दिया रहता है। ज़बरदस्त बढ़िया गाड़ी है दोस्तों, स्कॉर्ट कंपनी का गाड़ी है। और इसके केबिन की बात करें दोस्तों, केबिन में कुछ इसी प्रकार से अपने को लग्जरी केबिन मिलने वाला है। इस केबिन के अंदर खलासी और ड्राइवर ऑपरेटर सीट दोनों अपने को देखने को मिलेगी, और डैक्स बोर्ड कुछ ही इसी प्रकार से दिखेगा अपने को। और डैक्स बोर्ड के अंदर ही इस गाड़ी का लीवर जो रहते हैं ना, वो डैक्स बोर्ड के अंदर ही अपने को मिलेगा। स्विचेस के नीचे की साइड में लीवर लगे रहते हैं, और एसी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो भी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मैं इसी वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। स्विचेस वगैरह एक साइड में रहते हैं दोस्तों, और इसके जो मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम रहता है वो भी डैक्स बोर्ड के अंदर रहता है। जैक जो आगे के जैक होते हैं, स्टेपलर होते हैं आगे के, उनके जो लीवर रहते हैं गियर के साइड में रहते हैं, और ये गियर है। और इस गाड़ी के 6 और रिवर्स को मिला के 7 गियर रहते हैं टोटल दोस्तों, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आगे के जो स्टेपलर रहते हैं उनका लीवर है, और SLI वाइपर। अब दोस्तों आपको दिखा देता हूँ AC का 23 टन क्रेन। ये 23 टन क्रेन उस गाड़ी से बहुत अलग दिखने वाला है दोस्तों, और बहुत बॉडी लुक में भी, और एक मान लो वो तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हैवी गाड़ी दिख रहा था, ये नॉर्मल सा दिखता है। और 23 टन AC कंपनी का हाइड्रा है दोस्तों। और इनके और उसकी कीमत की बात भी वीडियो के अंत में करने वाले हैं। इनके प्राइस में क्या चेंजिंग है दोनों के, और इसके प्राइस और काम करने में। और ये दोस्तों AC का जो नया गाड़ी आया है ग्रीन कलर में, वो गाड़ी है दोस्तों। इनका जो ओल्ड जो मॉडल थे, वो भी इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। सामने का फ्रंट कुछ इसी प्रकार से अपने को दिखने वाला है। सेंसर वगैरह सारा सिस्टम इस गाड़ी में लगा रहता है दोस्तों। और इसका जो आगे का अपने जो फ्रंट रहता है, इसके जैक उसी गाड़ी उन्हीं गाड़ियों की तरह आगे की साइड में देखने को मिलेगा। ऑपरेटर क्लासी के लिए इसके ऑपरेटर के लेफ्ट दूसरी साइड में क्लासी की सीट मिलने वाली है दोस्तों। और पीछे की साइड जो लोडिंग एरिया वगैरह रहता है, वो पीछे कुछ इसी प्रकार से अपने को दिखने वाला है दोस्तों। और ये AC कंपनी का 23 टन क्रेन है दोस्तों। बैक कैमरा भी लगा रहता है इसमें, सारा सिस्टम इस गाड़ी में आपको All2Z फीचर मिलने वाले हैं AC कंपनी के हाइड्रा में दोस्तों। और उसी प्रकार से स्कॉर्ट का जो गाड़ी था, उसका केबिन, इसके केबिन में बहुत कुछ चेंजिंग है दोस्तों। देखो इसका केबिन एक नॉर्मल केबिन की तरह इस साइड में है दोस्तों, और गाड़ियों की तरह एक साइड में रहता है। और इसके सेंसर का सिस्टम रहता है, वो भी इसी के अंदर रहता है। और डेक्स बोर्ड में जितने भी फीचर्स है टोटल, वो इसी डेक्स बोर्ड के ऊपर नीचे करके एडजस्ट किए गए हैं दोस्तों। इसके जो लीवर रहता है, वो अपने और गाड़ियों की तरह सेम उसी प्रकार से इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। SW वगैरह ये डेक्स बोर्ड में फिक्सिंग रहता है दोस्तों। और ये था स्कॉर्ट का 23 टन दोस्तों। अब आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, हम स्कॉर्ट का जो ओल्ड मॉडल था वो किस प्रकार से था, और नया मॉडल उसमें क्या चेंजेंगे आप देख सकते हो दोस्तों इस गाड़ी को। ये है स्कॉर्ट TRX 2319 ओल्ड मॉडल दोस्तों, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार से आपको दिखने वाला है दोस्तों। इसका जो सिस्टम वगैरह था इस गाड़ी का, वो कुछ ही ओल्ड लुक में इसी प्रकार से था दोस्तों। इसका केबिन पहले की गाड़ियों में बीच में था, और इस गाड़ी के भी जो नया मॉडल है उसी के भी बीच में है। फीचर्स काफ़ी चेंज मिलेंगे आपको उसमें और इसमें दोस्तों। और 23 टन का भी ये गाड़ी है दोस्तों, कुछ हैवी दिखने वाला है। केबिन के अंदर की बात करें दोस्तों, तो कुछ इसी प्रकार से जो इसका डेक्स बोर्ड वगैरह सिस्टम था, इसके अंदर खलासी की सीट आपको देखने के लिए मिलेंगी। पर्सनली इन्होंने जो टायर के गार्ड्स है, वो खुद ने बना के लगा रखे हैं दोस्तों। कुछ ही इसी प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसका जो इंजन वगैरह सिस्टम रहता था, वो साइड में था, पीछे की साइड में वेटिंग एरिया के जस्ट नज़दीक था। और TRX 23 टन स्ट्रॉन्ग गाड़ी था दोस्तों, और सेफ्टी गार्ड के लिए भाई ने खुद ने व्यवस्था कर रखी है, अलग से अपने टायर सेफ्टी गार्ड लगा रखे हैं दोस्तों। और सिस्टम सेम उसी गाड़ी कितना दिखने वाला है, थोड़ा सा इसका जो पीछे का एरिया था वो नीचे था, अभी ऊपर कर दिया है। अब AC का दिखाने वाला हूँ, FX 230 दोस्तों 23 टन जो ओल्ड मॉडल था, वो गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये गाड़ी AC का था, वो सेम उसी तरह एक साइड केबिन में मिलेगा अपने को। पीछे का वेटिंग एरिया थोड़ा हैवी होता है, इसके टायर पीछे के कुछ अलग सिस्टम से दिखते हैं, उस स्कॉर्ट की तरह अपने को वो दिखने नहीं वाले हैं। 1400 के टायर रहते हैं दोस्तों इसके, और पीछे का ये एरिया फ्लाई जीवी भी उसी तरह फिक्स किया गया है। और दोस्तों इससे अब चारों गाड़ियों की कीमत की बात करें दोस्तों, तो स्कॉर्ट का जो क्रेन था, उसका अपने को मिलने वाला है 38+।
ठीक है दोस्तों। और जो एसी कंपनी का था दोस्तों ये 34 प्लस अपने को मिलने वाला है। स्टेट के अलावा सिस्टम से और अपने कुछ ब्रांचों के सिस्टम से थोड़े बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों। मोटा मोटी आइडिया ये है, 34 प्लस एसी कंपनी और 38 प्लस मिलने वाला है दोस्तों अपने को स्कोर्ट का TRX 2319 दोस्तों। तो ये था दोस्तों ACE और स्कोर्ट का कंपेयर, आज का कैसा लगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में आप बताना कौन सा गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद है, और कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।